मऊगंज जिला तो मिला पर जिले जैसी सुविधाएं नहीं मिली, और जिला बनने की कीमत विध के छात्रों ने अपने भविष्य की कुर्बानी देकर चुकाई। यहाँ की व्यवस्थाएं बदहाल है और अब तो मरीजों का भी सौदा होने लगा है। चलिए एक नजर फिर डालते हैं मऊगंज जिले के विनाश रूपी विकास पर। नमस्कार, मेरा नाम संजय संदरिया है। मऊगंज जिले का विकास देखकर ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला एमपी के इस 53वें जिले की गिनती ही भूल चुके हैं। 15 अगस्त से मऊगंज जिला एक वर्ष का हो गया है। मऊगंज जिले की मांग पिछले 30 वर्षों से चली आ रही थी। यहाँ की जनता ने नेताओं के सामने गिड़गिड़ाया कि साहब इसे जिला बना दीजिए। रीवा काफी दूर पड़ता है और आने जाने में काफी कठिनाई होती है, लेकिन नेताओं को तो सिर्फ अपनी नेतागिरी ही चमकानी थी। हर बार जिले के नाम पर मऊगंज जिला वासियों से धोखाधड़ी की गई, वोट समेटे गए। मऊगंज जिले का विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ जिस दल की राज्य में सरकार बनती थी कभी उस दल का विधायक ही नहीं बन सका। यह इतिहास मऊगंज ने वर्ष 2018 तक दोहराया। 2018 के विधानसभा चुनाव दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज जिले के खटखरी आते हैं और उन्होंने जनता से वादा किया कि आप प्रदीप पटेल को जिताओ, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। जनता ने शिवराज पर ऐसा अटूट विश्वास जताया कि उन्होंने आंख बंद करके कमल वाला बटन दबाया और प्रदीप पटेल मऊगंज के नए विधायक बन गए। लोगों को लगा कि जिला की घोषणा होगी, लेकिन मऊगंज इतना जल्दी जिला कहां बनने वाला था। जब वर्ष 2023 का चुनाव आया तो सर्वे रिपोर्ट दौरान पता लगा कि मऊगंज और देवतलाव विधानसभा सीट डेंजर जोन में है और यहां से भाजपा की नैया डूबने वाली है। तब दोबारा से शिवराज सिंह चौहान को मऊगंज जिले वासियों की याद आई और तब उन्होंने 15 अगस्त 2023 को मऊगंज जिला बनाने की घोषणा की। जिला बनने के बाद विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के छात्रों का भविष्य अंधकार में जरूर चला गया। दरअसल जहां वर्तमान में कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय संचालित हो रहा है, यह भंवर एलएलबी के छात्रों के लिए बनाया गया था, लेकिन सरकार को चुनाव जीतने के लिए मऊगंज को जिला बनाने की इतनी जल्दबाजी थी कि इस चक्कर में कॉलेज के भवन को कलेक्टर और एसपी कार्यालय भवन बना दिया गया। एलएलबी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया। अब ना यहां नए छात्रों का एडमिशन हो रहा है और ना यहां से पास हो चुके छात्रों को वकालत का लाइसेंस मिल रहा है। शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय वर्ष 1967 में मऊगंज के पूर्व विधायक पंडित रामधनी मिश्रा द्वारा स्थापित किया गया था। तब से यहां पर बीए बीएससी के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई होती थी। बाद में वर्ष 1981 में इसे शासकीय महाविद्यालय का दर्जा मिल गया और 2023 तक महाविद्यालय में एलएलबी की कक्षाएं नियमित संचालित होती रहीं। इस महाविद्यालय में सीधी, सिंगरौली, सतना सहित कई जिलों से छात्र आकर यहां पढ़ाई करते थे, लेकिन जिला बनने के बाद न जाने महाविद्यालय को किसकी नजर लग गई कि अचानक यहां एलएलबी की मान्यता ही समाप्त कर दी गई। छात्रों की इतनी बड़ी क्षति हुई, लेकिन ना तो पक्ष आया और ना विपक्ष। विधि संकाय के छात्र कई दिनों तक तपती दोपहरी में खुले आसमान के नीचे धरना देते रहे, लेकिन उन्हें कलेक्टर के आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। उनका हाल पूछने ना तो पक्ष के नेता आए और ना विपक्ष के। बीसीआई ने यह कहकर मान्यता समाप्त कर दी कि एलएलबी के लिए अलग से भवन होना चाहिए, लेकिन कॉलेज के भवन में तो एसपी और कलेक्टर कार्यालय संचालित हो रहा था। चलिए बात करते हैं मऊगंज जिले के उद्योग और रोजगार की। पूर्व के नेता और विधायक अक्सर यह कहते सुने जाते थे कि भैया हम क्या करें, हमारी तो यहाँ सरकार नहीं है, हम विपक्ष के नेता हैं। लेकिन 2018 में जनता ने नेताओं का यह दुख भी दूर कर दिया। अब जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी दल का यहाँ पर विधायक है। जिला बनने से पहले मऊगंज जिले के घुरेटा वार्ड क्रमांक 11 को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औद्योगिक नगरी घुरेटा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन किया और दोबारा से उसी भूमि का भूमि पूजन मऊगंज के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल द्वारा किया गया। लोगों को लगा सरकार दो दो बार भूमि पूजन करके यहां के युवाओं की बहुत चिंता कर रही है और जल्द ही यहां रोजगार देने की योजना बना रही है, लेकिन भूमि पूजन के एक वर्ष बाद भी औद्योगिक नगरी घुरेटा में शासन द्वारा एक पत्थर तक नहीं रखा गया। आज भी पूरी की पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई है। हालांकि एक वोट जरूर लगाया गया है जो अपना सीना चीर कर भाजपा की औद्योगिक नगरी का विकास दिखा रहा है। रोजगार की तलाश में मऊगंज जिले के युवा मुंबई, सूरत, गुजरात जाने को मजबूर हैं। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए बात करते हैं मऊगंज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, जहां मरीज भी बेचे जा रहे हैं। जी हाँ, यहां पर मरीजों का भी सौदा हो रहा है। दरअसल जिले में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल संचालित हैं, जहां
जहां पर सरकारी अस्पताल में निशुल्क इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को सिविल अस्पताल के स्टाफ द्वारा इन प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है। हैरानी तो तब होती है जब मामूली खरोंच वाले मरीजों को सीधे रीवा रेफर किया जाता है, और जिन मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर होती है उन्हें मोटी कमाई के लालच में प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है। सीधे तौर पर मऊगंज जिले में रेफर एंड अर्न का धंधा चल रहा है। इसी तरह से मऊगंज सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य सुखेंद्र सिंह बन्ना के जमाने से चल रहा है, और 12 वर्ष पूरे होने के बाद भी अब तक सिविल अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।